सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आप में से लगभग हर एक डिफेंस एस्पिरेंट ने कभी ना कभी इस बात को नोटिस जरूर किया होगा कि लगभग सभी मिलिट्री पर्सनल्स एक शॉर्ट हेयर कट रखते हैं, जिसे आम तौर पर फौजी कट कहा जाता है। और इस बात से लगभग हर कोई एग्री करेगा कि मिलिट्री पर्सनल्स का ये शॉर्ट हेयर स्टाइल उन्हें एक बहुत ही क्लीन और क्लासिक लुक देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से मिलिट्री पर्सनल्स इस फौजी कट को रखना पसंद करते हैं? क्योंकि भले ही ये शॉर्ट हेयर स्टाइल किसी सिविलियन के लिए एक स्टाइलिश थिंग हो सकती है, लेकिन युद्ध भूमि में लड़ने वाले किसी सोल्जर के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इसीलिए आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से मिलिट्री पर्सनल्स अपने बालों को छोटा ही रखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो मिलिट्री पर्सनल्स का शॉर्ट हेयर रखने का सबसे पहला कारण है कि युद्ध भूमि में लंबे बालों की वजह से बर्बाद हो रहे समय को बचाना, क्योंकि युद्ध भूमि में हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी मिलिट्री पर्सनल्स को एक हेड गियर यानी कि हेलमेट पहनना होता है। और ये सीधी सी बात है कि अगर किसी मिलिट्री पर्सनल्स के बाल ज्यादा लंबे होंगे तो उसे अपने हेडगियर को सही तरीके से पहनने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। और इसीलिए युद्ध भूमि में सोल्जर्स को इस तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, तो इसीलिए उनके बालों को छोटा रखा जाता है। और इसके अलावा अगर युद्ध जैसी स्थिति में किसी सोल्जर के बाल लंबे होंगे तो इस बात की बहुत संभावना है कि वे बाल टूट कर किसी मिलिट्री मशीनरी में जा सकते हैं और उसके पार्ट्स को जैम कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक सोल्जर के मिलिट्री करियर में कभी न कभी एक पॉइंट ऐसा जरूर आता है जब उसे बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करना होता है, और इन एक्सट्रीम कंडीशंस में ज्यादातर पानी वाली कंडीशंस होती हैं। और इसीलिए एक ये भी कारण है कि सोल्जर्स के बालों को छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि उन्हें कभी इस तरह की पानी वाली एक्सट्रीम कंडीशंस से गुजरना पड़े तो उनके बालों को सूखने में ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि अगर किसी सोल्जर के बाल ज्यादा लंबे होंगे तो उन्हें सूखने में भी ज्यादा समय लगेगा। और इससे सोल्जर को कॉमन कोल्ड या फिर हाइपोथर्मिया जैसी एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसीज का सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए सोल्जर में इन इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशंस के खतरे को कम करने के लिए उनके बालों को छोटा रखा जाता है। वैसे तो ज्यादातर मिलिट्री में क्लोज कॉम्बैट वाली सिचुएशंस बहुत ही कम होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसकी तैयारी भी ना करें। और इसीलिए सोल्जर के बालों को इसलिए भी छोटा किया जाता है कि अगर कभी उसे क्लोज कॉम्बैट का सामना करना पड़े तो उसके लंबे बाल उसकी कमजोरी ना बने, क्योंकि अगर किसी सोल्जर के बाल लंबे होंगे तो क्लोज कॉम्बैट यानी कि हाथापाई की लड़ाई में उसका दुश्मन लंबे बालों को खींचकर उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोल्जर्स को युद्ध जैसी स्थिति में कई दिनों, हफ्तों और यहाँ तक कि कभी कभी कई महीनों तक बिना नहाए बिना शावर लिए रहना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में किसी भी सोल्जर के पास इतना समय नहीं होता है कि वे अपने बालों को मेंटेन कर सके, और इसीलिए सोल्जर्स के बालों को इसलिए भी छोटा किया जाता है ताकि ऐसी स्थिति में इनको आसानी से मेंटेन किया जा सके। और इन सबके अलावा सोल्जर्स की शॉर्ट हेयर स्टाइल के पीछे का एक और मुख्य कारण होता है सोल्जर्स के बीच एकता को कायम रखना, क्योंकि अगर सभी सोल्जर्स की हेयर स्टाइल एक जैसी होगी तो वे सभी एक समानी दिखेंगे और उनके अंदर की देशभक्ति की भावना भी एक समानी होगी। तो ये थे वो कुछ खास कारण जिनकी वजह से मिलिट्री पर्सनल्स के हेयर स्टाइल को शॉर्ट रखा जाता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर इस वीडियो को लेकर आपको कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।